हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चूल्हे बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए, इसे धागा लिया, इसे फंसाया, इसके नीचे से लूप लिया। इसमें चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह करते हुए 18 चैन बनाएंगे। देखिए, 18 चैन बनाने के बाद में लूप लिया, 1 और 2, 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लूप लिया, 2 से निकाला, लूप लिया, 2 से निकाला, फिर एक बार इसी सेम जगह में लूप लिया, 3 हुए, 2 3 से ये 2 फंदे हुए। इस तरह बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। फिर अगली चैन में एक डबल क्रोशिया लिया, लूप लिया, 2 से निकाला, लूप लिया, 2 से निकाला, हर एक चैन में 2 2 बार डबल क्रोशिया हुए करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए, ये राउंड कंप्लीट कर लिया। इसमें अब 2 की चैन बनाएंगे, 1 2, इसको वर्क को टर्न करेंगे। इसमें अगली वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी सेम जगह में 1 और बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाली में 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये 2 की चैन वाली 1 डबल क्रोशिया हो गई, फिर उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया हो गई, फिर अगली 2 चैन में 1 1 बार डबल क्रोशिया हो गई, फिर तीसरे में 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरह 2 चैन में 2 बार डबल क्रोशिया और तीसरे चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, राउंड के अंत में आ गए हैं। लूप लिया, ये जो 2 की चैन बनाई थी उसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें 2 की चैन बनाएंगे, 1 और 2, वर्क को टर्न करेंगे। ये तीसरी राउंड कंप्लीट स्टार्ट हो रही है। तो इसमें अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी सेम जगह में 1 और बार बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 और नेक्स्ट में बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए 4 चैन में 4 बार बनाएंगे। इसके बाद में 5वीं चैन में 2 बार बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, सेम जगह में 1 और बार डबल क्रोशिया। इसी तरह हर एक चैन में 1 1 बार बनाएंगे 4 बार, और 5वीं चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, 3rd राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें 2 की चैन बनाएंगे, 1 और 2, और राउंड को वर्क को टर्न करेंगे। इसमें एक चैन में, इस बार देखिए, हर एक चैन में 1 1 बार बनाना है। 9 चैन बना के ऊपर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 10 चैन स्किप करेंगे, फिर बीच में 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 10 चैन स्किप करेंगे, फिर लास्ट में 9 चैन में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए इसे बनाकर दिखाते हैं। नेक्स्ट वाली में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली में 1 और डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर इसमें लूप लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 चैन छोड़ के, सॉरी, 10 चैन छोड़ के 11वीं में डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह 11 चैन छोड़ के
फिर 15 डबल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन, फिर 15 डबल क्रोशिया छोड़ के 10 चैन स्किप करेंगे, फिर लास्ट में 9 चैन बनाएंगे। इसी तरह राउंड को कंप्लीट करना है। इसको मैं करती हूँ, ये देखिए 10 चैन गैप करने के बाद में फिर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो, सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इस रो में कहीं बढ़ाना नहीं है, ना कहीं कहीं स्किप करना है। तीन, ये हो गई हमारी चार, पाँच, ये देखिए अब इसमें 2 चैन दिख रही है, छः, ये 7। लेकिन जो ये 2 की चैन वाली है इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारी टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगी 2 की चैन में बनाने के बाद में। ये देखिए इधर 9 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 10 चैन स्किप की, फिर 15 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 10 चैन स्किप की, फिर ये 9 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसको एक बार और डबल क्रोशिया का राउंड करेंगे। इससे ये चोली बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। चलिए बनाकर दिखाते हैं। एक दो, 2 चैन लिए, वर्क को टर्न किया, नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए ये चोली बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए